नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा और आज दो मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अखिलेश यादव के सामने एक गंभीर राजनीतिक चुनौती, वो राजनीतिक चुनौती क्या है कुछ देर बाद, और साथ ही कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री के ईश्वरप्पा, क्या उन्हीं के चलते एक कॉन्ट्रैक्टर को आत्महत्या करनी पड़ी, इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है दोस्तों। हम आगे जाके करेंगे। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल किलब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। सबसे पहले अखिलेश यादव, पहले तो कल की बड़ी राजनीतिक खबर पर आपको गौर करना पड़ेगा। एमएलसी के चुनाव होते हैं, 36 सीटों पर एमएलसी के चुनाव, और क्या आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिलती हैं और अखिलेश यादव एक सीट भी नहीं ले पाते हैं। हाल ही में विधानसभा चुनावों में हुई हार के बाद क्या समाजवादी पार्टी इस कदर पस्त हो गई कि उसने एमएलसी के चुनावों में लड़ने का प्रयास भी नहीं किया? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एमएलसी के चुनाव होते क्या हैं। जिस तरह से राज्यसभा का दर्जा केंद्र में होता है, यानी कि संसद में होता है, वही दर्जा एमएलसी का विधानसभा में होता है, यानी कि अपर हाउस जो होता है वो एमएलसी का होता है। और इसमें कौन वोट देते हैं? एमपीज, एमएलएज, ब्लॉक प्रधान, यानी कि ये सीधे तौर पर जनता का चुनाव नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा चुने गए जो नुमाइंदे होते हैं उनका चुनाव होता है। इसमें अखिलेश यादव का सूपड़ा साफ हो गया है, मगर अखिलेश यादव के सामने दोहरी चुनौतियां हैं दोस्तों। न सिर्फ एमएलसी के चुनावों में हार, बल्कि इन दो चेहरों पर आपको गौर करना पड़ेगा, आजम खान और उनके चचा शिवपाल यादव। ये दोनों नेता अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आजम खान के सोशल मीडिया प्रभारी और खुद उनके बेटे का यह कहना है कि जब आजम खान जेल में बंद थे तो अखिलेश यादव उनसे सिर्फ एक बार मिलने आए। अब खबरें इस बात को लेकर गर्म हैं कि आजम खान जो है वो अपनी पार्टी बनाएंगे। आप जानते हैं कि जेल में रहते रहते वो अपना चुनाव भी जीत गए थे, और अब ये बताया जा रहा है कि वो अपने एक पार्टी बनाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि आजम खान जिस इलाके से आते हैं वहां पर उनका खासा दबदबा है, और अगर उन्होंने अखिलेश यादव का दामन छोड़ दिया तो यकीनन इसका नुकसान अखिलेश यादव को होगा। अब गौर कीजिए शख्स पर, शिवपाल यादव। शिवपाल यादव के साथ जो तमाम मतभेद थे उन्हें दूर करके वो सात चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए शिवपाल यादव ने पाला बदल दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मुलाकात की। नतीजा यह है कि अब इस बात की सुगबुगाहट है कि शिवपाल यादव राज्यसभा जाने वाले हैं। अब इसके बदले में उनसे क्या उम्मीद की जा रही है, तो आपको गौर करना पड़ेगा। शिवपाल यादव एक प्रभावशाली यादव नेता है, अपने इलाके में उनकी खासी पैठ है, खासकर जो यादव बाहुल्य इलाके हैं वहां पर। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि इन इलाकों में साल 2024 में जो चुनाव होंगे, राज्यसभा की टिकट दिलाने के एवज में शिवपाल यादव उनकी मदद करेंगे, और साथ ही प्रदेश की जनता को यह संदेश दिया जाएगा कि देखिए अखिलेश यादव अपना कुनबा भी नहीं संभाल सकते, क्योंकि आप जानते हैं अपर्णा वो भी बीजेपी चली गई और शिवपाल यादव भी अब राज्यसभा जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की मदद से। तो ऐसे में अखिलेश यादव के सामने दोहरी चुनौतियां हैं, शिवपाल यादव और आजम खान। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि अखिलेश यादव का भविष्य खतरे में है? यकीनन अखिलेश यादव के सामने एक बहुत कड़ी चुनौती है, क्योंकि जब आपके पार्टी के दो दिग्गज पार्टी छोड़ जाएं, आपका साथ छोड़ जाएं, तो उसका नुकसान आपको होना लाजमी है। मगर आज मैं बताना चाहूंगा कि इस मौके को भी अखिलेश यादव अपने फायदे में जो है पलट सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले गौर करना पड़ेगा शिवपाल यादव पर। शिवपाल यादव वो शख्स रहे हैं दोस्तों जो 2017 से पहले, उस वक्त की जो अखिलेश यादव सरकार थी उसमें मंत्री थे, एक मलाईदार मंत्रालय उनके पास था, और यही नहीं समाजवादी पार्टी का पूरा खजाना उनके पास था,
और यह भी कहा जाता था कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में जो 4.5 मुख्यमंत्री बताए जाते हैं उनमें से एक शिवपाल यादव भी थे, यानी कि उनका दबदबा चलता था। और वो दौर आया जब अखिलेश यादव ने ताकत अपने हाथ में लेनी शुरू की, और जैसे ही ताकत उन्होंने अपने हाथ में लेनी शुरू की शिवपाल यादव ने बगावत शुरू कर दी, क्योंकि शिवपाल यादव को यह आभास होने लगा कि उनके हाथ से तमाम चीजें जा रही हैं, उन्हें जो तमाम चीजें मिली हुई थी समाजवादी पार्टी की वो उनके हाथ से निकल गई। ऊपर से मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी ऐसी बयानबाजी होने लगी जिसके चलते अखिलेश यादव को नुकसान हुआ। और फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र, आपको याद है राजस्थान में अमित शाह का वो भाषण, अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि हमारे एक कार्यकर्ता ने व्हाट्सएप में एक झूठी बात फैलाई, और वो झूठी बात क्या थी कि अखिलेश यादव ने अपने पिता का अपमान किया। खुद अमित शाह कह रहे थे कि ये खबर झूठी थी। दोनों जो नेता थे वो कोसों दूर थे एक दूसरे से, मगर ये खबर जो है आग की तरह फैली, जनता में यह संदेश गया कि देखो ये आदमी जो है वो अपने पिता का ना हो सका, जनता का कैसे होगा। अमित शाह कह रहे थे ये करना नहीं चाहिए था, मगर ये किया गया और इसका फायदा बीजेपी को मिला। तो एक तरफ अखिलेश यादव उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार, इन दोनों ने उन्हें करारा झटका दिया। पिछले 5 सालों से शिवपाल यादव के साथ उनके नरम गरम रिश्ते रहे हैं। अब सही मायने में शिवपाल यादव ने बता दिया कि उनमें कि उनके मन में क्या चल रहा था, क्योंकि शिवपाल यादव चाहते थे कि वो नेता विपक्ष बने, वो चाहते थे कि अखिलेश यादव आजमगढ़ के सांसद बने रहें, मगर अखिलेश यादव समझ गए थे कि अगर मुझे योगी आदित्यनाथ को चुनौती देनी है तो बहुत जरूरी हो जाएगा कि मैं करहल में अपनी विधानसभा सीट को बनाए रखूं और फिर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े होकर उन्हें चुनौती दूं। इसलिए उन्होंने करहल को चुना और इसलिए वो नेता विपक्ष बन गए। ये बात शिवपाल यादव को नागवार गुजरी और वो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाके बैठ गए। अब मेरा सीधा सवाल आपसे, जो आदमी पद के लालच में इतनी आसानी से अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर ले, क्या अखिलेश यादव को खुश होना चाहिए कि शिवपाल यादव उन्हें छोड़ के चले गए, या दुखी होना चाहिए? मुझे लगता है कि अखिलेश यादव राहत की सांस ले रहे हैं। अब बात करते हैं आजम खान की। दोस्तों, आजम खान भी उन 4.5 मुख्यमंत्रियों में से थे, उनका दबदबा था। यही नहीं, उनके बारे में यह भी चर्चा की जाती थी कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी और उनसे जुड़े लोग जब कोई अपराध करते थे तो आजम खान पुलिस को एक्शन नहीं लेने देते थे, और भारतीय जनता पार्टी ने बार बार इसका इस्तेमाल करके आजम खान और अखिलेश यादव दोनों पर हमला बोला। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव को ऐसे में आजम खान के पार्टी छोड़ने पर दुख होना चाहिए? मगर हां, अखिलेश यादव के लिए बहुत जरूरी है कि जमीनी स्तर पर जिन जिन जगहों पर ये बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं वहां पर आपको एक नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा, चाहे रामपुर हो या जसवंत नगर हो। तमाम जगहों पर जिन चेहरों पर जनता का विश्वास है उन्हें आपको खड़ा करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को जो एक झटका, ये एक नाइंसाफी की है उसके साथ कि पिछले 5 सालों में उन्होंने तमाम ब्लॉक्स पर, तमाम जिलों पर, तमाम छोटे छोटे इलाकों पर मजबूत नेता खड़े नहीं किए। इसलिए अब अखिलेश के सामने एक बहुत कठिन चुनौती है कि वो अगले 5 सालों में न सिर्फ बीजेपी का मुकाबला करें बल्कि संगठन को मजबूत करें। जब तक अखिलेश यादव इस संगठन को मजबूत नहीं करेंगे तब तक समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी को चुनौती नहीं दे पाएगी। और हां, न सिर्फ आपको लोगों में विश्वास जतलाना होगा अखिलेश जी, बल्कि ट्विटर का राजनेता बनने से बाज आना होगा। हो क्या रहा है दोस्तों, पिछले कई दिनों से कई मुद्दे सामने उभर कर आ रहे हैं। मसलन आपको याद होगा बलिया में 2 पत्रकारों की गिरफ्तारी, वो पत्रकार जो परीक्षा में नकल का पर्दाफाश कर रहे थे।
अखिलेश यादव ने इसके बारे में ट्वीट किया, उन्होंने महंगाई के बारे में भी ट्वीट किया, उन्होंने तमाम मुद्दों पर ट्वीट किया। मगर राजनेता वो होता है जो जमीन पर उतरकर चुनौती देता है। अगर आप चुनौती देने को तैयार नहीं है तो फिर आप राजनेता नहीं है, फिर आप एक ट्विटर के राजनेता बन के रह जाएंगे। अखिलेश यादव को अपने समर्थकों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जिसने उन्होंने 111 सीटें दी, उनके लिए अब हर मुद्दे को लेकर जमीन पर उतरना पड़ेगा। अब वो सोच निकाल लीजिए कि चुनाव के आखिरी 6 महीनों में ही मैं जमीन पर उतरूंगा। नहीं, ये गलती आपने पिछले 5 सालों में की थी, अब आप वो नहीं कर सकते अगर आप वाकई राजनीति को गंभीरता से लेना चाहते हैं। और ये ना भूलें, अगले 2 साल में लोकसभा के चुनाव हैं, आपको तो अभी से जमीन पर होना चाहिए। 45 डिग्री टेम्परेचर से घबराइए मत अखिलेश जी, जमीन पर उतरिए, अपने काडर को मजबूत कीजिए और पार्टी के अंदर जो डेड वुड है, यानी कि जो लकड़ी गल चुकी है, उसे बाहर का रास्ता दिखलाइए। आज का दूसरा मुद्दा है दोस्तों, कर्नाटक के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर का सुसाइड। कॉन्ट्रैक्टर का नाम है संतोष पाटिल और उसने सुसाइड कर लिया। आरोप उसने लगाया इस शख्स पर जो कि कर्नाटक के मंत्री हैं, के एस ईश्वरप्पा। इसने आरोप ये लगाया है कि मंत्री के जो एसोसिएट्स हैं 4 करोड़ के एक प्रोजेक्ट में 40% रिश्वत मांग रहे थे, वो रिश्वत नहीं दे पा रहा था, नतीजा संतोष पाटिल ने आत्महत्या कर ली। क्या आप जानते हैं केएस ईश्वरप्पा ने उनके खिलाफ मानहानि का केस भी किया हुआ था। मगर सबसे बड़ी बात, संतोष पाटिल सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। यानी कि वो संरक्षण वो अपने कार्यकर्ता तो को नहीं दे पाए, वो कार्यकर्ता अपने नेता की तरफ उंगली उठाकर कह रहा था कि मुझ पर रिश्वत देने का दबाव बनाया जा रहा था। आपके स्क्रीन पर दोस्तों इस खबर पर देखिए, यह है संतोष पाटिल का भाई और वो कह रहा है कि जब तक मंत्री ईश्वरप्पा पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। एक परिवार के लिए इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है, वो अंतिम संस्कार तक नहीं करना चाह रहे। और सबसे बड़ी बात, खाना पूर्ति के लिए कर्नाटक सरकार जो है वो एक्शन ले रही है। सीधी सी बात है दोस्तों, जब एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी ताकत दिखाना चाहती है ना, तो वो ताकत सिर्फ उस समुदाय के खिलाफ नहीं दिखाती जिस समुदाय के को टारगेट करके वो वोट्स हासिल करना चाहती है, नहीं, जब उसकी ताकत के खिलाफ एक हिंदू भी खड़ा होगा, उसके अपने पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता भी खड़ा होगा, तो उसके साथ भी वही बर्ताव होगा जैसा कि संतोष पाटिल के साथ हुआ है। कितनी बड़ी त्रासदी है कि उनका परिवार अंतिम संस्कार करने को राजी नहीं। क्या हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के क्या मायने होते हैं। बहरहाल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर करारा हमला बोला है आपकी स्क्रीन पर। स्क्रीन्स पर यह है पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान, जो कह रहे हैं कि ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी मर्डर के मामले में होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के मामले में होनी चाहिए। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, क्या कर्नाटक सरकार सुनेगी? क्या संतोष पाटिल जो कि भाजपा का एक कार्यकर्ता है उसे इंसाफ मिलेगा? रहा मुश्किल है, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं अपने सुसाइड नोट में उन्होंने क्या कहा। RDPR मिनिस्टर के एस ईश्वरप्पा इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डेथ। आई एम टेकिंग दिस डिसीजन कीपिंग माई एस्पिरेशन असाइड। आई रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स टू आर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, आर बिलव्ड लिंगायत लीडर BS येदुरप्पा एंड एवरीबॉडी एल्स टू एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड टू माई वाइफ एंड किड्स। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है, मुख्यमंत्री बम्बई से अपील की है और पूर्व मुख्यमंत्री येदुरप्पा से भी अपील की है कि उनकी पत्नी और उनके बच्चों की मदद करें। संतोष पाटिल यह भी कह रहे थे कि हमने उम्मीद की थी कि कांग्रेस जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, मगर अब 40% रिश्वत मांगी जा रही थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? एक कॉन्ट्रैक्टर ने अपराध भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है एक भाजपा के मंत्री पर, आत्महत्या कर ली उसने, कर्नाटक
जो कि दुनिया ही नहीं बल्कि देश का आईटी का गढ़ है, मगर इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। कितने शर्म की बात है दोस्तों। मगर इस मंच पर हम वो मुद्दे आपके सामने बेबाकी से हमेशा लाते रहे हैं जिसका ताल्लुक आम इंसान के साथ है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।